हाय गाइस, वेलकम टू एडिसोल्यूशन ओवरसीज। गाइस, फ्रांस का जनवरी इनटेक अभी अभी ओवर हुआ है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी भी चाहते हैं कि एप्लीकेशन लगा दी जाए जेन फेब इनटेक के लिए, बट गाइस, अब यूनिवर्सिटीज़ ने, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने, बल्कि 99% यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है। बट ये यूनिवर्सिटीज़ वापस से सेप्टेम्बर इनटेक के लिए भी धीरे धीरे ओपन होती जा रही हैं। उनमें से एक यूनिवर्सिटी है, एक बिजनेस स्कूल है, केच बिजनेस स्कूल। गाइज, फ्रांस का ये बिजनेस स्कूल सितंबर 24 इनटेक के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है। गाइज, केच बिजनेस स्कूल इज द लार्जेस्ट बिजनेस स्कूल इन फ्रांस, रैंक्ड 7th बेस्ट फ्रेंच बिजनेस स्कूल्स एज पर फाइनेंशियल टाइम्स 2022। सो गाइज, केच बिजनेस स्कूल्स में अब सितंबर इनटेक के लिए, 24 इनटेक के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, वही सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज कुछ भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बैचलर्स में आप किस किस में जा सकते हैं, तो अवेलेबल कोर्सेज हैं अभी इंटरनेशनल बीबीए, एवरग्रीन कोर्स प्रोग्राम है, मैक्सिमम बच्चे जाना चाहते हैं, और यहाँ पर बैचलर इन मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। एज पर योर चॉइस, एज पर योर एलिजिबिलिटी, आप दोनों में से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। गाइस, मास्टर कोर्सेज केच में बहुत सारे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं ताकि आपके माइंड में रहे। जैसे कि आप मास्टर्स कर सकते हैं आर्ट्स एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट में, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, इंटरनेशनल बिजनेस है, मार्केटिंग है, फिनेंस है, और यहाँ पर मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स एंड इवेंट है, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स है, बैंकिंग है, एंड गाइज यहाँ पर आपका इनोवेशन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है। तो गाइज बहुत सारे डाइवर्सिफाई कोर्स ऑप्शंस हैं स्पेशली मास्टर्स के लिए। एज पर योर प्रोफाइल हम आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज, एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। अगर बैचलर्स के लिए जाना है तो 12th का स्कोर मिनिमम 50% होना चाहिए। मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो गाइस, फ्रांस में ना 2 साल के भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं और 1 साल के भी प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आपको 2 साल के लिए जाना है तो आपका 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए और 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपको 1 ईयर के कोर्स प्रोग्राम के लिए जाना है तो 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए, परसेंटेज 50% है तो भी चलेगा। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है जो कि आपने स्क्रीन पर भी देख लिया है, मैंने भी आपको बता दिया है। बाकी गाइस, आप जानते ही हैं कि फ्रांस में जो क्राइटेरिया है वो इंटरव्यू बेस्ड है, उसकी भी पूरी पूरी प्रिपरेशन, पूरी असिस्टेंस हमारी टीम की तरफ से आपको मिलती है, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। गाइस, ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो एवरेज बैचलर्स से मास्टर्स के लिए जो एवरेज ट्यूशन फीस है वो 8,700 यूरो से स्टार्ट होती है और 22,400 यूरो पर ईयर तक जाती है। एज पर दी हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज ये फीस 22,400 यूरो तक जाती है, अदरवाइज स्टार्टिंग 8,700 यूरो पर ईयर से हो जाती है। और गाइस, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। एज ऑफ नाउ जो केच ने डिक्लेयर किया है वो 5-10% रिडक्शन ट्यूशन फीस में आपको मिलता है। ये कैसे मिलता है, कब मिलता है, उसके लिए डेफिनेटली आप एडिसोल्यूशन ओवरसीज की टीम से कनेक्ट करें हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन में, ताकि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा बिजनेस स्कूल आपके लिए बेस्ट है और कौन से बेसिकली कोर्स प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए, कितना स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और गाइज, ऑफर लेटर से लेकर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन से लेकर के अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, सभी चीजें आपको असिस्टेंस मिलती है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो गाइज, जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन लगाइए, जल्दी से जल्दी हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए बिजनेस स्कूल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।